हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स की क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर हम आपके बीच लेकर आए हैं क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स, जिसमें हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए आते हैं। क्या है अपना टॉपिक? आज का टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखेंगे जो रूट्स निकलते हैं उसके नेचर को ये आपको बताना होगा, तो किस तरीके से आप बताओगे। ठीक है, और इस पर हम धमाकेदार क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है ना, और देखते रहिए पेशेंस बनाकर, बहुत लंबा वीडियो हम बनाते नहीं, आपको पता भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखा करिए। ठीक है ना, हर एक कॉन्सेप्ट को आप समझिए अच्छे से, ऐसा नहीं कि स्किप करते हुए चले जा रहे हो। देखिए, मैंने बार बार बोला यही कि स्किप करते रह जाएंगे और आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आप चाहे यहाँ पढ़िए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूसली आप अपनी स्टडी को बनाए रखिए। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। तो यदि देखो, हमने बात किया था किसका, क्वाड्रेटिक फार्मूला का। यदि मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात करूँ तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में हमने आपको बता रखा है। क्या आया था क्वाड्रेटिक फार्मूला? वो आया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a। और इसमें मैंने कहा था कि जो रूट में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, और इससे कहा था कितने से? डी से। डी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस नहीं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हो जाएगी डी की वैल्यू। और यही हमारा क्या बताता है? नेचर। जो रूट्स का नेचर होता है वो कौन बताएगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों देखते जाइए यहाँ पर कि किस तरीके से हम नेचर को बताने जा रहे हैं। देखिए, यदि हम कहें इफ, देखिए डी लिखिए, डी ही लिख देते हैं, डी की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इफ डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ऐसे कर लीजिए, ग्रेटर देन जीरो कर लीजिए। इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब बताया गया हुआ, डिस्टिंक्स का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग होंगे। यदि d की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन जीरो आ रही है, तो उस केस में जो हमारा क्या आएगा? रूट्स आएगा। जो रूट्स आएगा वो कैसा रूट्स होगा? वह रूट होगा रियल होगा। इसके अलावा कैसा होगा? तो आप बोलोगे सर डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक है, अच्छा दूसरी पॉइंट की बात कर लेते हैं। इफ डी इज इक्वल टू जीरो, इस केस में क्या होगा? देन द रूट्स आर रियल। यहाँ भी रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। यहाँ भी रूट्स होंगे रियल, बट एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स रियल भी होंगे और कैसे होंगे? इक्वल भी होंगे। मतलब दोनों रूट क्या आएंगे? एक ही आएंगे। अब एक ही आने का मतलब नंबर ऑफ रूट कितना गिनोगे उसको? दो काउंट करोगे क्या? नहीं, सिंगल ही काउंट करेंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर डिस्टिंक्ट तो टू रूट, और यहाँ डिस्टिंक्ट इक्वल आ रहा है, मतलब दोनों एक ही है। दोनों एक ही का मतलब उसको अलग कैसे बोल सकते हो? ठीक है, तो अलग नहीं बोल सकते, इसका मतलब यहाँ पर केवल सिंगल रूट मिलेगा। आप ये कैसा कर सकते हो? कैसा रूट मिलेगा? सिंगल। ठीक है, एंड लास्ट जो पॉइंट है, इफ डी इज लेस देन जीरो, मतलब निगेटिव आ जाए, देन द रूट्स आर नॉट रियल, और इसी को हम इमेजिनरी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। नॉट रियल बोलिए या क्या बोल दीजिए? इमेजिनरी। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट है जिसको आप अच्छे तरीके से क्या करोगे? याद रखोगे। ठीक है, रियल का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, रियल देखिए ऐसे नंबर की बात करें जो रूट में निगेटिव न लाए, बस इतना आपको याद रखना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप रूट में देखो, जब रूट में वैल्यू रखोगे क्या? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और कहीं पर ये सॉल्व करने पे निगेटिव आ गया, निगेटिव लाइक मैं मान लो माइनस फोर का बात करूँ। अब बताओ माइनस फोर का स्क्वायर रूट बता सकते हो क्या? ऐसा कोई नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करो उसी नंबर में और माइनस फोर आएगा? आपको पता है टू का मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो प्लस फोर आ जाएगा, माइनस टू में करेंगे तब भी क्या आएगा? प्लस फोर। या तो माइनस फोर का स्क्वायर रूट निकलने के लिए बोल रहा है,
-4 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला है तो हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, और इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी या नॉट रियल। इसके बारे में आप डिटेल स्टडी करेंगे कहाँ पर, हायर क्लासेस में, लाइक 11th में यदि बात करें तो वहाँ पर एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, वहाँ पर आप अच्छे तरीके समझ जाओगे इसकी वैल्यू क्या आएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसका कुछ मान नहीं है, लेकिन इसे रियल नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसे इमेजिनरी बोलते हैं, तो इसको कुछ दूसरे तरीके से माना जाता है। तो वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ोगे तो उसके बारे में आपको डीप नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। तो आप याद रखो कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो, तो इस केस में रूट से होंगे और रियल होंगे। इसके अलावा यदि ग्रेटर देन जीरो तो डिस्टिंक्ट आएगा, और यदि कैसा है डी इक्वल टू जीरो है तो उस केस में इक्वल आएगा, मतलब सिंगल रूट मिलेगा, ठीक है। और यदि लेस देन आ गया तो मैंने बोल दिया अभी कि नॉट रियल, इमेजिनरी आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, और यहाँ पर चेक करते हैं किसका रूट रियल आएगा और किसका इमेजिनरी, ठीक है। तो आप क्या करिए, नोट कर लिए होंगे, ठीक है, नोट करके देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं इरेज कर दे रहा हूँ और यहीं पर मैं क्या करूँगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो या तो याद रखिए या तो नोट्स करके देखते रहिए कि नहीं, हाँ कब हम रूट्स को रियल बोलेंगे, कब हम इक्वल देखेंगे, और उस केस में फिर कब क्या आएगा, नॉन रियल भी आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है अपने पास, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं हम लोग। तो जैसे मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, तो जैसे आप ले लो एक्स, टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है, जीरो, ठीक है, ये ले लीजिए। तो यहाँ पर देखो कंपेयर करना हमने सिखा दिया आपको, a इज इक्वल टू कितना आएगा 2, b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8 और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। हमें निकालना किसकी वैल्यू है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी है 5। तो 8 जा 64 माइनस 4 2 जा 8 और 85 जा 40, तो सब्ट्रैक्ट करोगे देखो कितना आ रहा है 24। इधर d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब रूट्स कैसे होंगे बताइए, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और यही देखिए क्या है, यही एक्चुअल में आपका नेचर है, ठीक है। नेचर का मतलब ये रियल है कि नॉन रियल, ये नेचर हो गया। जैसे आप फिजिक्स में बताते होंगे ना रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, सेम ऐसे लाइक यहाँ रियल और नॉन रियल करके बताना है, या हाँ डिस्टिंक्ट और इक्वल। तो रियल और नॉन रियल ये लिखना जरूरी है, डिस्टिंक्ट की बात तो बाद में होगी, लेकिन नेचर में रियल वर्ड और या इमेजिनरी ये चीज़ आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या आ रहा है, अपना रूट्स जो आ रहा है वो कैसा आएगा, रियल और डिस्टिंक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो के, किसकी बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पर क्या कहानी होगी, a इज इक्वल टू आप बोलोगे सर 1 है, b इज इक्वल टू कितना है 4 है और c इज इक्वल टू कितना है 4, ठीक है। चलिए वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू किसकी निकालोगे, d की, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, तो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 कितना आ गया d की वैल्यू 0। जब d की वैल्यू 0 आ गई तो इस केस में रूट्स कैसा होगा बताओ, इस केस में रूट्स कैसा होगा, आप बोलोगे सर रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों रूट एक ही होंगे, ठीक है। रियल और किसका हो जाएगा, इक्वल का केस हो जाएगा, यहाँ रियल और डिस्टिंक्स का मतलब अनइक्वल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अनइक्वल, और वहाँ पर इक्वल, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और ले लेते हैं, लाइक मैं बात करूँ जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हुआ, जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू कितनी है 8। चलिए d का मान निकालते हैं, जब d का मान निकालोगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 8, तो 4 4 जा कितना होगा 16 और 4 8 जा 32, आंसर कितना आ गया माइनस 16। तो यहाँ देख रहे हो ना ये वैल्यू क्या है, बोलो ये वैल्यू जो है वह 0 से छोटी है, जब 0 से छोटी है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, आप बोलोगे सर नॉन रियल,
बस इतना बोलने की जरूरत है, डिस्टिंक्ट होगा क्या होगा इसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना बोलोगे। जब लेस देन जीरो है मतलब निगेटिव में आ गया तो आप बोलोगे सर कि इस केस में जो रूट्स होगा वह कैसा होगा बताइए, नॉन रियल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें। चलिए अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, लाइक कहीं कहीं ऐसा होता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर आउट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, या एम, जिसके लिए क्या हो पूछा जाता है कि बताइए रूट्स इक्वल आए या अनइक्वल आए, डिस्टिंक्ट आए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस क्या होता है एराइज होता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को हम पहले लिख लेते हैं फिर आपको कराते हैं। इतना सब नोट कर लीजिए, आप नोट कर ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू होना चाहिए यहाँ पर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 2kx + 27 = 0 हैज रियल एंड इक्वल। नहीं ठीक है, हैज नहीं लगाएंगे। ठीक है, मतलब कह रहा किस वैल्यू, मतलब k की किस वैल्यू के लिए जिसके रूट्स होंगे वह रियल हैं और कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बस बात है, क्या उठा लेंगे जो आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, आप लिखिए, देखिए थोड़ा सा सेंटेंस इस बार लिखेंगे, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है उस चीज़ को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके बाद जब क्वेश्चन कराएंगे तो थोड़ा सा हम इजीली करा देंगे, मतलब वहाँ पर उतने ज़्यादा वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये जो पहला क्वेश्चन होगा आप इस तरीके से एग्जाम में लिखते हो तो परफेक्टली जितने नंबर का आपका क्वेश्चन होगा उतना पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आप क्वेश्चन कर दिए तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। आपको पता है मैथ है, मैथ में स्टेप मार्किंग भी होती है, इसके अलावा वर्ड्स को इंक्लूड भी करना होता है, लाइक वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड नहीं यूज करो तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए आप इतना लिखोगे तो आप पहले लिख लोगे इट इज गिवेन दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्या है वो, आप कहोगे 3x² + 2kx + 27 = 0। अब क्या कहानी है, अब ये सिस्टम है कि इसके पास जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल है, तो हमको क्या करना होगा, d की वैल्यू निकालनी होगी, रियल है और इक्वल है तो d की वैल्यू किसके इक्वल दिखानी होगी, जीरो के। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग इट विथ ax² + bx + c = 0 वी गेट। कर दो, जब कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी 2k और c की वैल्यू हो जाएगी 27। ठीक है, नाउ या सिंस द रूट्स ऑफ गिवेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देयरफोर क्या हो जाएगा बताइए, देयरफोर आप कहोगे सर जो d की वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी, जीरो के। जब ऐसा कंडीशन है तो आपको पता है रियल एंड इक्वल के केस में डी की वैल्यू किसके इक्वल थी, जीरो के, दैट इज b² - 4ac = 0। ठीक है, तो वैल्यू रखिए, बी की वैल्यू कितनी है 2k, यहां हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 27 = 0, तो 2 जा कितना हो जाएगा 4k² माइनस, क्या करिए इसको टोटली ऐसे भेज दीजिए उस साइड, ठीक है 4 इंटू
3 × 27, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 3 × 27 डिवाइड बाई 4, तो क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, देन के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 81, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, प्लस माइनस अंडर रूट 81, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 9। कहने का मतलब k की वैल्यू या तो आप प्लस 9 रखो या तो k की वैल्यू माइनस 9 रखो, इन दोनों वैल्यूज के लिए जो ये गिवन इक्वेशन था कौन 3x² + 2kx + 27 = 0, इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे एंड इसके साथ साथ इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन आसान है, किस तरीके से आपको करना है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए इसको वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है, इफ 3 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x + k = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + k × 2x + k + 2 + p = 0 आर इक्वल। ठीक है, मतलब इस केस में ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो रूट्स हैं, ठीक है, पहले तो दिया है, पहले इक्वेशन दिया है जिसका 3 क्या है, रूट्स है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे आपको पता है रूट्स क्या होता है, रूट्स वो वैल्यू होती है जो इस क्वेश्चन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो इसका मान सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, तो इससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो k की वैल्यू होगी जब इसमें रखोगे तो पी अननोन बचेगा, तो पी अननोन बचेगा और इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, बट कब, जब रूट्स को क्या है, कैसा है, इक्वल है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल है ना, एक तरह से समझा जाए तो, फिर भी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सलूशन होगा आप बोलोगे ऐसे, सिंस 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, क्या था, x² - x + k = 0, देयरफोर क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ वैल्यू रख दो वहां, 3² - 3 + k = 0। ठीक है, तो यहां से देखिए 3 * 9 - 3 + k = 0, तो ये हो जाएगा 6 + k = 0, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, ये हो गई किसकी कहानी, k की ना। इसके बाद क्या करेंगे, Here another equation is given as x² + k × 2x + k + 2 + p = 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग k = -6 इन दिस इक्वेशन वी गेट, रख दीजिए, जब रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए x² + k की वैल्यू -6 × 2x + k की वैल्यू -6 + 2 + p = 0, तो क्या हो जाएगा, x² - 6 × अंदर मल्टीप्लाई करिए, पहले सॉल्व करिए 2x - 4 + p = 0, इसको सॉल्व करिए x² - 6 × 12x + 6 × 4 = 24 + p = 0। अब कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन का जो रूट्स है वह रियल है, देन p की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, लिखेंगे सिंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या था,
एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू टू एक्स प्लस के प्लस टू प्लस पी इज इक्वल टू जीरो आर इक्वल सो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू जीरो। कितना हो जाएगा d इज इक्वल टू जीरो। अब जब d इज इक्वल टू जीरो है तो आप जानते हो कितना होता है d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए, सब वैल्यू लिखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी वन, b की वैल्यू कितनी आ रही होगी माइनस ट्वेल्व और c की वैल्यू देखो जिसमें x नहीं पूरा लिख दो ट्वेंटी फोर प्लस पी। ठीक है अब ये वैल्यू हो गई। अब ये सारी वैल्यूज आप क्या करोगे इसमें सब्सिट्यूट कर दो। ठीक है तो b की वैल्यू कितनी है माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर माइनस फोर, a की वैल्यू है वन और c की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी फोर प्लस पी, ट्वेंटी फोर प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। ट्वेल्व का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा वन फोर्टी फोर। ठीक है माइनस का प्लस हो जाएगा और इधर माइनस फोर इंटू ट्वेंटी फोर प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 144 माइनस 24 4 जा कितना होगा 96, 4 4 जा 16, 4 2 जा 9 और माइनस कितना हो जाएगा 4 पी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखिए 144 में से 96 सेपरेट करिए तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 13 लाइक 13 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और इसको उधर भेज देंगे तो 4p या पी इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 4 तो पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। मतलब p की वैल्यू कितनी है बताइए सो दैट p व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो p की वो कौन सी वैल्यू है 12 है जिसको रखने से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्या आएगा रूट्स आएगा वो कैसा होगा इक्वल होगा। ठीक है तो क्वेश्चंस को देख लीजिए किस तरीके से कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, ईजी है सब क्वेश्चंस। मैं बार बार वही बोलूँगा फिर आज बोल रहा हूँ क्या कि पेशेंस और प्रैक्टिस, पेशेंस बना के रखिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन बनना 100% श्योर है। ठीक है तो देख लीजिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस के इज इक्वल टू जीरो हैव नो रियल रूट्स। तो कितना आसान है भी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है इस बार। वहां पर हर बार क्या पूछ रहा था इक्वल रूट्स के लिए पूछ रहा था तो d इज इक्वल टू जीरो कर दिए थे। यहां पर क्या करना चाह रहा है उस चीज के बारे में थोड़ा सोचते हैं। ठीक है तो देखिए यदि मैं बात करूं तो 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस के है, ठीक है ना, तो आप लिख लीजिएगा इट इज गिवन दैट सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे इट इज गिवन दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप बोलोगे सर 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस के इज इक्वल टू जीरो। आगे क्या लिखोगे ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वी गेट कर दीजिए क्या पाएंगे आप ए इज इक्वल टू फोर बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व एंड सी इज इक्वल टू माइनस का के। ठीक है इसके बाद क्या सिस्टम होगा, इसके बाद ये कहानी है कि आप कहोगे सर सिंस यही चीज मान के करोगे सिंस द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, रियल नहीं है देयरफोर क्या हो जाएगा देयरफोर आप बोलोगे सर डी की वैल्यू लेस देन क्या होगी जीरो होगी। तो वैल्यू पुट करिए जब लेस देन जीरो है तो डी की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। बी की वैल्यू माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू फोर सी की वैल्यू माइनस के लेस देन जीरो। ट्वेल्व का स्क्वायर 144 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस बताइए फोर फोर जा 16 के लेस देन जीरो या क्या हो जाएगा 16 के लेस देन माइनस 144
या के लेस देन 144 माइनस में डिवाइड बाय 16, तो के लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस का 9। मतलब के 9 नहीं रखना है, 9 नहीं रखना है, 9 बिल्कुल नहीं रखना है। 9 से लेस जितनी भी वैल्यू होंगी, 9 से लेस जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सभी के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स हमें फाइंड नहीं होगा। k की वैल्यू माइनस 9 रख दो या उससे बड़ी रख दोगे तो उस केस में हमें रियल रूट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग बात को, क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिएगा आप लोग, यदि कोई प्रॉब्लम और भी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, जिससे हमें आपके प्रॉब्लम्स पता चले और मैं उनके सॉल्यूशंस आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा लॉजिक मुझे आज बताना था, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी सीख लीजिए आप इसी लेक्चर में। तो क्या है कहानी समझिए, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था वो आप क्या था, पहले देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, ये तो अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना बोलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं जब क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करूँगा, किसका, क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करूँगा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये कहता है सर x इज इक्वल टू होता है ना माइनस b होता है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना होता है 2a। ठीक है, अब देखो सिस्टम ये है ना, थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ। यदि आपसे क्वेश्चन चाहिए पूछे, देखिए रियल लाने की बात करें, रियल तो ठीक है, तो रियल में दो कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है रियल में दो कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है रेशनल का, किसका होता है, एक होता है रेशनल नंबर का और दूसरा जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर का। दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर का। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर देखिए मैं समझाना जो चाह रहा हूँ वो देखिएगा बात, यदि मैं कहूँ कि आप चाह रहे हो जो रूट्स आए वो कैसे हों, रियल हैं लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ रेशनल हो, कैसे होने चाहिए रेशनल हो, तो रेशनल होने के लिए ये कंपलसरी है, कंपलसरी क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज D must be a perfect square number। ठीक है, मतलब समझे आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि b square minus 4ac ठीक है या discriminant जो D है यदि वो perfect square number हुआ, ठीक है तो आप ध्यान से देखिए यही है ना D, यदि ये D है तो perfect square number होगा तो root से क्या हो जाएगा बाहर। ठीक है, यदि रूट से क्या हो जाएगा बाहर, तो इसमें आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, यदि रूट में m लिखूं तो इसे आप बोलते हो क्या इरेशनल, ये क्या होगा इरेशनल, कब, जब m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, मतलब m परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उस केस में क्या होगा रेशनल होगा, लेकिन रूट m क्या होगा रेशनल होगा, रूट एम क्या होगा रेशनल होगा, कब, जब यम इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ऐसा केस होगा तब, तो वही चीज एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, जैसे मैं कहूँ रूट थ्री, तो रूट थ्री को आप बोलोगे सर इरेशनल है, ये क्या है इरेशनल, का है भैया क्योंकि रूट थ्री है, थ्री को हम बाहर नहीं निकाल सकते इसलिए इसे क्या बोलते हो रेशनल, मैं लेकिन रूट फोर लिखूं तो इसे इरेशनल बोलोगे, नहीं सर इसका आंसर आएगा टू और ये क्या बन गया, ये बन गया रेशनल, ये क्या बन गया रेशनल बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करिए, यदि आपसे पूछे कि इसका रूट्स मुझे क्या लाना है, मुझे इसका रूट्स लाना है रेशनल, बात समझ में आ रही है, जब रूट्स को रेशनल लाना है तो उस केस में ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, समझ गए आप लोग बात को, तो यहाँ पर देखिए मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन से आप समझ जाइए कि नहीं हाँ क्वेश्चन कैसा हो सकता है और उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, इरेशनल का कंडीशन ये है, इरेशनल कराना है तो ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, पास में रख नहीं, डी की जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर होगी तो रेशनल, यदि डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो क्या होगा इरेशनल। ठीक है, बाकी इक्वल रूट्स का तो आपको कहानी पता है कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो, मतलब डी की वैल्यू जीरो होगी तो माइनस बी वाई क्या आ जाएगा 2a, मतलब इक्वल रूट्स के केस में क्या आएगा कहानी x इज इक्वल टू माइनस बी बाई
टू ए, कब, जब डी की वैल्यू कितनी होगी जीरो, मतलब इक्वल रूट से ही इक्का ही करेगा माइनस बी बाई टू ए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं और जो बोल रहे थे उस पर एक क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाइए और क्वेश्चन रिवाइज करिए अच्छे से, आप लोग बहुत तेज हो। ठीक है, अपने आप को तेज मानते हुए वर्क करो, बोलो इस साल के टॉपर तो हम ही हैं, इस हिसाब से पढ़ाई करो। हारना जीतना देखिए लगा रहता है, लेकिन कहानी ये है कि आपको क्या करना है, इस तरीके से मेहनत करनी है कि आप समझिए कि आपसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। हाँ, लेकिन घमंड नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं करना आप। ठीक है, चलिए तो मैं जैसे क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, यहाँ पर 4 कर देते हैं और यहाँ पर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, देखिए ध्यान से, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क हो गया, चल नहीं रहा था, मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूं। चलिए, 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 में ये कह रहा किस k की किस वैल्यू के लिए इसका जो रूट्स आएगा वो कैसा होगा, रेशनल होगा। ठीक है, तो रेशनल का एकमात्र कंडीशन क्या है, d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन ये यहां पर व्हाट वैल्यू नहीं पूछ सकता, ये पूछेगा फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ के, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जिसके लिए रेशनल आ सकता है, तो मैं मिनिमम के लिए पूछना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम तो कभी बता ही नहीं सकते, मिनिमम की मैं बात करूँगा। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, पहले आप किसको निकाल लो, बोलिए डी की वैल्यू निकालो, डी इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं कंपेयर करना आपको आ गया है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है माइनस 8, c की वैल्यू माइनस 8 कितना है, माइनस 8, तो कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 4ac, इसको आप 4 मत लिखिए, ठीक है, नहीं तो लिंदी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इज इक्वल 0 कर देते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 4ac। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 32, कितना आ गया, 32 आ गया। तो अब देखिए, अब डी को यदि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, डी को क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर, तो अब 32 के बाद वो कौन सा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, लिखेंगे आफ्टर 32 द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज कितना होता है, 36। आप जानते हो 5 का स्क्वायर 25 और इसके बाद क्या होगा, 36। अब कहानी ये है कि के स्क्वायर है, तो ये यदि स्क्वायर में नहीं होता तब तो कुछ अलग सोचते, करने का मतलब निगेटिव भी आ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आगे ही बढ़ना हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे जो स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो कितना है, 36। दैट इज आप बोलोगे d इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 36। तो आप कहोगे सर k स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल टू 36, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 32, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, या k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2। ये प्लस माइनस 2 ही ऐसी वैल्यू है जिसको आप रखेंगे इसमें, मिनिमम वैल्यू, रखने के लिए बहुत सारा रख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू जिसके लिए जो इसका रूट आएगा वो कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्लियर है, तो आई होप चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए,
जितने भी आपके बुक्स में दिए गए होंगे, जहाँ जहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं, हर एक तरीके से आप क्या करिए, उनको लगाते रहिए। क्वेश्चन लगाना कंपलसरी है, ये मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट हम क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम की, और वहाँ पर बताएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ठीक है। किस तरीके से करना है आपको मैं बताऊंगा आपको, और वो पूरी तरीके से आप बस मेरे लॉजिक को यूज करते जाइए, और मैं आपको इंश्योर कर देता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।